सेंटर इस ट्वाइस एट एंगल एट सर्कल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये बन रहा है हमारे पास लगभग 50 और 55 के आसपास का, और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 55 का हाफ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30 ये 25 के आसपास का ये एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास हम यहाँ पे एंगल इन सेम सेगमेंट दिखा सकते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारे पास ये देखो ये सेम ये एंगल ये सेम बन रहे हैं अब हमारे पास 27 point something। तो यहाँ पे ये हमारे एंगल भी ये सेम दोनों जगह पे सेम बन रहे हैं। तो यहाँ से हम एंगल इन सेम सेगमेंट, चाहे हम यहाँ पे ये वाला सेगमेंट ले लें, एंगल इन सेम सेगमेंट ये भी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसके अंदर ये भी दिखा सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यहाँ से 90 का, हाँ 360 होता है, ये 90 और इधर से ये 90 ये भी हमारे पास 90, ये चारों एंगल का सम कितना आ गया 360 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल ये एंगल इन सेमी सर्कल ये बना है, ये पूरा 180 डिग्री, ये 90 और ये, चाहे हम इस साइड बना लेंगे इक्वल कोर्ट्स, इक्वल हाँ इक्वल कोर्ट्स, ये इक्वल कोर्ट्स सेंटर पे इक्वल एंगल सेट करती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये एंगल हो गए, कोर्ट्स इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल, ये भी सेम एंगल आएंगे। और यहाँ से अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले ली, ये चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं और इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से कोई निकल गया, नेक्स्ट वाली ले लेते हैं, ये ले लेते ये आ गया हमारे पास 70, ये आ गया हमारे पास 110 180, और ये आ गया हमारे पास फिर से 110, ये हमारे पास आ गया 70, ये 110 था ये 70, 180 हो गया ये भी 180 हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये एंगल 70, हाँ ये भी हमारे पास ये 70 का हो गया। तो ये दोनों एंगल 70 के हैं, तो ये साइड्स इक्वल हैं और यहाँ से एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी शो कर सकता है कितना होता है 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और सर्कल, एंगल से रिलेटेड हर प्रॉपर्टी हम एक ही मॉडल से सबके सब प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखा सकते हैं। और हम यहाँ से ये भी, अभी हमारे पास स्केल नहीं है तो हम यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि टू इक्वल कोर्ड्स का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये जैसे दो इक्वल कोर्ड्स हैं तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम होगा, स्केल चलेगा बस हमारे इसकी। तो ये हम ये दिखा सकते हैं और ये पैरेलल भी होती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। और सर्कल की डेफिनेशन भी शुरुआत से यहाँ से कि सर्कल का क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से लेकर फिक्स डिस्टेंस पे हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ये फिक्स डिस्टेंस तो डेफिनेशन में, फिर ये रेडियस और यहाँ से ये रेडियस, ये हमारे पास क्या हो गया, टू रेडियस मिला के क्या बना रहे हैं हमारा डायमीटर बना रहे हैं। तो ये टू रेडियस मिलकर हमारे पास क्या बन गया, डायमीटर सेंटर और कोर्ड है, सबसे लार्जेस्ट कोर्ड हम मेजरमेंट करके यहाँ पे अलग अलग कोर्ड, जैसे ये यहाँ पे दो बन गए कोर्ड, तो ये स्मॉल होगी और ये जो यहाँ पे जो बनेगी कोर्ड वो सबसे लार्जेस्ट कोर्ड बनेगी। सेंटर कोर्ड भी दिखा सकते हैं,